हिदिस एडवेंटी ए वीडियो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर इस ट्रेनिंग को आप पूरा देख लेते हो तो प्रॉपरली आप अच्छे से बात करना और लोगों की क्लोजिंग करना आप सब कुछ सीखने वाले हो इस वीडियो के अंदर। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, छोड़कर नहीं जाना है। अगर आपके दोस्त वगैरह भी अफिलिएट मार्केटिंग में काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, तो आप इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करके उनकी मदद कर सकते हो, उन लोगों को अच्छे तरीके से बता सकते हो। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक होने वाला है कि लोगों से हम बात कैसे करें। इससे बात करने से पहले आपको कुछ बातें जाननी होंगी जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात, तो आप प्रोडक्ट को पिच कर रहे हो, आप कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हो। सबसे पहले आप अपनी कंपनी को देखिए कि आपकी कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, आपकी कंपनी में सब कुछ है कि नहीं है। सबसे पहले आपके पास अगर सारे के सारे सर्टिफिकेट हैं, GST सर्टिफिकेट है, ISO सर्टिफिकेट है, आपकी कंपनी सही काम कर रही है, वैल्यू दे रही है लोगों को लर्निंग दे रही है, जिससे कि लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं और लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, फिर आप बताने से क्यों डरते हो? जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो तो आपको एक हिचकिचाहट सी महसूस होती है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, तो आप क्यों डर रहे हो? आपको ये माइंडसेट बदलना होगा, आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना होगा, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। आप किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेचता है, और बेचे बिगाड़ बिना तो कोई अमीर बन ही नहीं सकता। क्योंकि आज एलन मस्क भैया भी बेचते हैं, टाटा जी भी बेचते हैं, अम्बानी जी भी बेचते हैं। अम्बानी क्यों सिम बेचता है? वो छोटा काम नहीं कर रहा है, तुम छोटा काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेचता है, कोई तेल बेचता है, कोई लोहा बेचता है, कोई शक्कर बेचता है। मैं आपके लिए यहाँ पर बैठे बैठे इतनी गर्मी में वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे लोगों को लर्निंग देनी है, वैल्यू ऐड करनी है, तभी तो मेरा काम आगे बढ़ेगा, तभी तो आप लोग ग्रोथ करोगे, आपकी ग्रोथ होगी, तभी तो मेरी ग्रोथ होगी। मैं तो चाहता हूँ कि आपकी ग्रोथ हो। तो आपको सबसे पहले तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका कोई काम ऐसा कर रहा है, क्योंकि सेल्स ऐसी दुनिया है, सेल्स में अगर कोई इंसान चला जाता है तो वो अंधाधुंध पैसा कमाता है। सेल्स से बड़ा कोई प्रोफेशन नहीं है, सेल्स से ही लोग जितने भी आज बिलियनर्स और करोड़पति अरबपति बने बैठे हैं वो सिर्फ सेल्स की दुनिया से आते हैं। आज तुमने देखा होगा कि दुनिया में किसी में जो जॉब करता है उसका नाम लिया जाता है कभी ज़िंदगी में, उसको याद रखा जाता है? लेकिन आज अम्बानी को क्यों पूछा जाता है, बिल गेट्स को क्यों पूछा जाता है, एलन मस्क को क्यों पूछा जाता है? क्योंकि वो बेच रहे हैं, दुनिया उनकी मोहताज है। जब तक कोई कुछ उनसे खरीदेगा नहीं, लोगों की ज़रूरतें पूरे नहीं होंगी उनसे बिना खरीदे, तो ये छोटा मोटा काम नहीं है। आप छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हो, आप लोगों को लर्निंग बेच रहे हो, लोगों को एजुकेशन बेच रहे हो। तो लोग जब लोहा तेल शक्कर चप्पल तक बेच सकते हैं, तो आप लोगों को एजुकेशन नहीं बेच सकते जिससे कि लोगों की लाइफ में चेंजेस आए? तो इस मेंटेलिटी को आप बदल दीजिए कि आप कोई छोटा काम कर रहे हैं। आप छोटा काम नहीं कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ पे लोगों ने लाखों रुपए कमा के रखा है और लाखों रुपए का लोगों ने जनरेट किया है। उमेर कुरैशी को लोग बोलते थे मोटा मोटा मोटा, आज उसका मंथली पैकेज 50 लाख रुपए का है, वो भी अफिलिएट मार्केटिंग करता है। अब तुम बोलोगे वो तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, वो उसने भी जीरो से स्टार्ट किया था। आप भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आप भी वहां पर पहुंच सकते हो, लेकिन माइंडसेट को बदलना होगा। आप कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हो। चलिए, तो आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका माइंडसेट, आपको माइंडसेट आपको बदलने की ज़रूरत है। आप छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, अपनी कंपनी के बारे में जानिए, आपकी कंपनी में क्या है। जब तक आप अपनी कंपनी के बारे में सारा कुछ नहीं जान लेते हो, उसके प्रोडक्ट क्या है, कितने पे कितना कमीशन आता है, क्या होता है, क्या क्या एजुकेशन मिलती है, सब कुछ जानिए, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस ओवर होगा और आप सामने वाले को अच्छे तरीके से बता सकते हो। क्योंकि जब तक तुमको खुद नहीं आगा है, तुम सामने वाले को नहीं बता सकते हो। और बाकी रही सेल्स क्लोजिंग की, सेल्स ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है जब आप सामने वाले को समझा देते हो, प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझा देते हो। क्योंकि जब तक सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, वो आपसे साथ ज्वाइन नहीं होगा। क्यों आया, क्यों होगा आपके साथ ज्वाइन? उसको समझ में ही नहीं आया, आपने जाने क्या क्या बता दिया उसको, जल्दी जल्दी बता दिया। दूसरी बात, आप उससे नजरें नहीं मिला पा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंट लो है, तो लो कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको नजरें मिलाकर काम कीजिए, कोई आप गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबी हो जाओ,
लेकिन वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपके दोस्त वगैरह कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को दिखा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि वास्तव में यहाँ पर ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती है, यहाँ पर सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता है, उनको भी पता चलना चाहिए, तभी वो लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे। क्या पता तुमने ज्वाइन करवा लिया उसको और आपने कुछ सिखाया नहीं उसको, तो फिर वो आपके साथ ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं होना चाहेगा। तो मैंने काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए स्क्रिप्ट लिख के रखी है, जैसे कि मैं बात करता हूँ और काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को सुन के देख के और अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है मैंने, तो उस स्क्रिप्ट को अगर आप फॉलो करोगे, अच्छे तरीके से काम करोगे और रेगुलर बेसिस पे काम करते चले जाओगे तो डेफिनेटली आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और जिन लोगों की फर्स्ट सेल नहीं हुई है तो लोगों को बता दूं, आपकी ओनली 10 दिन के अंदर फर्स्ट सेल आ जाएगी। फर्स्ट क्या, आप 5 सेल भी निकाल दोगे, 10 सेल भी निकाल दोगे 10 दिन के अंदर, अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हो, इन स्क्रिप्ट को फॉलो करते हो, तो आप 100% चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ को, क्योंकि ये नेटवर्किंग है, इसमें पैसा इनकम भी आती है और लोग ऊंचाइयां भी छूते हैं। जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो नेटवर्क पर काम करते हैं और छोटे लोग नेटवर्क पर काम नहीं करते हैं। छोटे लोग क्या करते हैं, जॉब पर काम करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि बात कैसे करनी है। तो बात आपको स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले उससे आपका नाम पूछना उसका, हेलो ब्रदर आपका नाम क्या है, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप क्या करते हैं। आपको ये फिलो में पूछना है, आपको ऐसे मत पूछना है कि हेलो ब्रदर आप अपना नाम बताइए, ऐसे मत पूछना, ऐसे पूछना हेलो ब्रदर आपका नाम क्या है, सबसे पहले तो ब्रदर आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप क्या करते हैं। तो सामने वाला आपका बोलेगा कि मैं ये करता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। तो बोलेगा कि मैं ये करता हूँ, सब कुछ अपने बारे में वो बताएगा, ठीक है। तो उसको जानने के बाद फिर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि मैं कौन हूँ, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप उसकी क्या मदद करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपको उसके परिवार के बारे में पूछना है, क्योंकि जब तक आप रिलेशन नहीं बनाओगे सामने वाले पर्सन के साथ, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। जितना अच्छा रिलेशन होगा उतने जल्दी ज्वाइन होने के चांसेस हैं, और जितने अच्छे रिलेशन होंगे तो वो आपसे मना भी नहीं कर सकता, है ना। तो आपको क्या करना है, रिलेशन पर बहुत फोकस करना है। और उसके सबसे पहले तो आप अपने उससे पूछिए कि हेलो ब्रदर आप अपने मम्मी पापा क्या करते हैं, आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि उसके अगर आपने फोटो वगैरह देख रखा है तो उसमें आप देख सकते हो, अगर उसके बाल अच्छे तो आप उसकी बालों की तारीफ कर सकते हैं, अगर वो अच्छा दिखता है तो आप उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसने अगर न्यू जैकेट ली है, जैकेट वगैरह अच्छी लगती है तो उसकी तारीफ कर सकते हैं। मतलब कि उसकी जेन्युइन तारीफ करनी है, झूठी तारीफ नहीं करनी है। अगर वो पतला है तुमने बोल दिया कि तुम तो यार हेल्थ में बहुत अच्छी हो, तो बुरा मान जाएगा यार वो, ठीक है। तो उसकी जेन्युइन तारीफ करनी है, रियल तारीफ करनी है। जब उसकी तारीफ करोगे, तारीफ सुनना किसको पसंद नहीं है, तो बोलेगा हाँ ब्रदर ब्रदर ब्रदर, ठीक है। तो जब ऐसा बोलेगा, ठीक है, जब उसको ऐसा बोल दिया आपने, तो ब्रदर उससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछने हैं। उससे बोलना है तो ब्रदर आप मुझे एक बात बताइए, आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार कैसे करते हैं। तो बोलेगा मम्मी पापा ही बताते हैं बेसिकली, है ना। तो वो बोलेगा मैं अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि ब्रदर हाँ ठीक है आप अच्छा प्यार करते हैं, ओके, तो आप मुझे एक बात बताइए, आप ऐसा डेली अभी क्या करते हो जिससे कि आप आगे जाके सपने पूरे करने वाले हो, या फिर आगे जाके आप अपने मम्मी पापा के कौन कौन से सपने पूरे करना चाहते हो। तो सामने वाला बताएगा आपको कि मैं यहाँ पर घुमाना चाहता हूँ, मैं कार लेना चाहता हूँ, गाड़ी लेना चाहता हूँ। अब क्या होगा इससे कि वो उसका माइंडसेट बनेगा, वो सोचने लगेगा कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है। 90% लोगों को ये पता नहीं होता है कि मेरे को आगे जाके ज़िंदगी में करना क्या है, नहीं होता है पता। वो लोग बस चले जाते हैं, मतलब कि भेड़ बकरियां नहीं होती हैं, वैसे चले जाते हैं। तो जब तुम उसको पूछोगे कि ब्रदर तुम अपने मम्मी पापा के लिए क्या क्या करने वाले हो, आगे जाके कहाँ ले जाके घुमाने वाले हो, अगर वो नहीं बोलता है तो तुम खुद बोल दो कि आप कहाँ घुमाने ले जाने वाले हो, आप क्या करने वाले हो, कौन सी गाड़ी लेने वाले हो, कौन सी बाइक लेने वाले हो। जब तक आप ये सब बोलोगे तो उसके माइंड थॉट में सोचने लगेगा, जब वो सोचने लगेगा तो उसका गेम धीरे धीरे चेंजेस हो रहा है, उसका माइंड धीरे धीरे बदल रहा है। अब उसके बाद उसको ये पूछना है कि ब्रदर हाँ तुम गाड़ी लेना चाहते हो, बाइक लेना चाहते हो, यहाँ घूमना चाहते हो, वहाँ घूमना चाहते हो, तो ब्रदर मुझे एक बात बताओ, तुम ये सब कर सको इसके लिए तुम्हें कितने रुपए पर मंथ आने चाहिए जिससे तुम ये सारे सपने अपने पूरे कर सको। तो बोलेगा
10,000, कोई 10,000 बोलेगा, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1,00,000 रुपए पर मंथ बोलेगा। तो जो 1,00,000 रुपए पर मंथ बोले, 50,000 बोले, 10,000 बोले, जितना भी बोलता है, तो ब्रदर उससे एक सवाल पूछना है कि ब्रदर आपको 10,000, 20,000 या 50,000 रुपए जितने भी हैं उतने रुपए पर मंथ आने लग जाए तो उसके लिए आप सीखने के लिए कितने रुपए लगा सकते हो। मतलब जो लोग बोलते हैं ना लास्ट में कि हम कुछ नहीं लगा सकते, उनका यहीं पे क्लियर कर दो इतनी ही बात का करके। अगर बोलता है सामने वाला कि मैं पैसे नहीं लगा सकता, तो भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप यहाँ से जाइए, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है और मैं आगे आपसे बात भी नहीं कर सकता। अगर सामने वाला पहली बात तो ये बोलेगा नहीं, क्योंकि आपने इतना सब कर दिया, उसको इतना बोल दिया, उसके सपने जगा दिए, उसका माइंड थॉट बदल दिया, तो सामने वाला बोलेगा ब्रदर आप बताइए कितने पैसे लगाने हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं बोलना है कितने पैसे लगाने हैं, उससे ही पूछो ब्रदर आप ही बताइए कितने पैसे लगा सकते हो, तो फिर मैं आपके साथ आगे की बात करूँ, वरना रहने दीजिए। तो आराम से वो बंदा 1,000 से नीचे तो जाएगा नहीं, कोई भी हो 1,000 से नीचे तो जाने वाला नहीं है। अब आगे जाके आप उससे क्या बोलोगे, तो ब्रदर अगर आप सच में सीरियस हो, सच में चाहते हो तुम पैसा कमाना, तो ब्रदर एक वीडियो है 15 मिनट की, अगर आप 15 मिनट की वीडियो देख सकते हो तो मुझे बोलो हाँ, वरना रहने दो। तो सामने बोलो वाला सोचेगा यार मेरे को बार बार भगा रहा है, मेरे को ज़्यादा भाव नहीं दे रहा है, तो यहाँ से 100% पैसा कमाएगा, ये रियल अपॉर्चुनिटी है। फिर आपको ये नहीं बोलेगा फ्रॉड है, वो हुआ ये हुआ, बहुत सारे लोग बोलते थे फ्रॉड है, क्या फ्रॉड है, क्या फ्रॉड है, सर्टिफिकेट दिखाओ ना उसको, पीडीएफ भेजो, सामने बैठा उसको, क्या फ्रॉड है बता भाई, बैठ आ जा मेरे से मिल ले, है ना। फ्रॉड वालों का एक ही उपाय है, तुम्हारा जितना कॉन्फिडेंट हाई होगा, फ्रॉड का सामने वाला बोल नहीं सकता तुमसे कभी, ये तो बोलेगा नहीं। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंट हाई है तो कॉन्फिडेंट हाई होना चाहिए, और बात करने का तरीका एकदम तेज आवाज में बात करनी है, मरे मरे बात नहीं करनी है, जैसे तुमने आज रोटी नहीं खाई हो, खाना खाया करो, पानी पिया करो, पेल गए, जोर से बात करनी है एकदम फटाक से अच्छे तरीके से। जब तुम ऐसे बात करोगे तो बोलेगा ठीक है ब्रदर मैं देख लूंगा, 15 मिनट किया मैं 20 मिनट की वीडियो देख लूंगा, और ब्रदर स्किप नहीं करना है, पेन कॉपी लेके बैठना है, लिखना है, वीडियो देखने के बाद मुझे तुरंत कॉल करना है, एक ही सीट है मेरे पास। तो ए बोलने के बाद जब आप इसको ए बोल दोगे कि एक ही सीट है मेरे पास, तो और सीट अवेलेबल ही नहीं है, तो सामने वाला वीडियो देखने के बाद तुम्हें तुरंत कॉल करेगा। उसके बाद एक वॉइस नोट भी भेजो वीडियो भेजने के बाद, हेलो ब्रदर एक ये वीडियो बहुत ही वैल्यूबल वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे तुरंत कॉल कर लेना, क्योंकि मुझे ओनली 5 लोगों की जरूरत थी, उसमें से 4 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, अब एक सीट बची है, अगर आपको चाहिए, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप मुझे तुरंत कॉल करिए, वरना वो सीट बुक हो सकती है, फिर मेरे को मत बोलना। सामने वाला वीडियो देखने के बाद आपको तुरंत कॉल करता है, आप उससे बात करते हो, बात करने के बाद आप क्या कीजिए कि उसने हाँ कि सारा कुछ समझ लिया वीडियो में, सब कुछ उसको पता है, लेकिन आप उसको एक बार और समझाइए, आप अपने मुँह से समझाइए उसको। दूसरी बात, उसको फिर लास्ट में एक रिजल्ट प्रयोग कीजिए। रिजल्ट क्या प्रयोग कीजिए कि ब्रदर तुम 1 मंथ के अंदर इतना काम करोगे तो तुम इतना पैसा अर्न कर लोगे, ये आपको उसको बताना है। अगर आप लाइट पैक से लेते हो तो आप इतना पैसा कमा सकते हो, अगर आप सिल्वर पैक लेते हो तो आपको लाइट पैक फ्री में मिलता है, गोल्ड पैक लेते हो तो सिल्वर और लाइट दोनों फ्री में मिलता है, ये सब तो आपको बताने हैं। बताने के बाद, वीडियो दिखाने के बाद आप लोगों को उससे बात करनी है और बोलना है कि ब्रदर आपने पूरा वीडियो देख लिया है, और वीडियो देखने के बाद उसको ये बोलना है कि ब्रदर आपको सबसे पहले वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, ये पूछना है आपको सबसे अच्छा क्या लगा, तो वो बोलेगा सामने वाला ये लगा, तो ठीक है ओके ब्रदर, ठीक है। तो उसके बाद बोलना है उसको फिर से अपना एक प्लान समझाना है,
जो प्लान आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो में सब कुछ बताया है, वैसे तो प्रेजेंटेशन वीडियो में सब कुछ समझाया है, लेकिन आपको अपने मुंह से समझाना है जिससे कि आपको भी प्लान रट जाएगा और दूसरी बात सामने वाले को भी अच्छे समझ में आ जाएगा। और जब आप वीडियो भेजें ना तो उसको ये जरूर बोल दें कि पेन और कॉपी लेकर बैठना, मैं तुमसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछूंगा। तो उसको डर बना रहता है कि सामने वाला 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा फिर मैं उसका क्या जवाब दूंगा, अगर वो गुस्सा हो गया फिर मेरे को ज्वाइन भी नहीं कराएगा, तो उसको एक डर बैठ जाता है। आप बार बार उसको भगाते हो ना, डर बैठ जाता है कि सामने वाला ज्वाइन कराए या ना कराए, इतना बड़ा ऑनर है यार, ज्वाइन कराएगा या फिर नहीं कराएगा। तो आपकी एक रेपो हो जाती है, रेपो हो जाती है उसके माइंड में, ठीक है। तो जब आप उसको सबको समझा दें तो उसके बाद क्या करना है, अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अर्जेंसी क्रिएट क्या करनी है, आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि ब्रदर मुझे ओनली 5 लोगों की ज़रूरत थी, 5 लोगों में से 4 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और आप बताइए 1 सीट बची है, आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। वरना मेरे पास अभी 3 लोगों के कॉल आए थे, मैंने उनको भी वीडियो सेंड की है, बताइए तो आप कौन से पैक लेना पसंद करोगे। सामने बोलेगा लाइट, सिल्वर या गोल्डन प्लेटिनम। अगर सामने वाला ये बोलता है कि ब्रदर अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कल तक कर दूंगा, तो उसे बोलो ब्रदर अभी मेरे को आप 100 रुपये सेंड करवा दीजिए जिससे कि मैं आपकी सीट बुक कर दूँ और वो सीट मैं किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप पैसा सेंड कर दोगे तो मुझे कन्फर्म हो जाएगा कि आप ही सीट लोगे। अगर आप अपनी बात से मुकर जाते हो बाद में तो और किसी का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 5 लोगों का बैच निकलने वाला है और 5 लोगों को ट्रेनिंग मिलने वाली है 11 दिन की। सामने वाला या तो तुरंत तुम्हारे साथ ज्वाइन करेगा या तुमको 100 रुपये सेंड करेगा या तो वो ज्वाइन नहीं होगा। अगर फिर भी तुमसे ये बोलता है कि पैसा नहीं है पैसा नहीं है पैसा नहीं है, तो उससे सीधा ये बोलो भाई आप जाइए यहाँ से, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं आपको ज्वाइन नहीं करवा सकता, मुझे भी ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक ही लोग बंदे की ज़रूरत है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो हाँ बोलिए वरना रहने दीजिए। अभी क्या लोग बहुत सारे लोग क्या करने लग जाते हैं कि भाई ज्वाइन हो जाए ना, भाई ज्वाइन हो जा, क्या प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, ये होगा वो होगा, नहीं उसके सामने गड़गड़ाना ही नहीं है तुमको, क्यों गड़गड़ाओगे, तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारा ही प्रॉफिट है। सामने वाला पैसा नहीं कमाएगा, तुम्हारे साथ ज्वाइन करेगा तो सामने वाला पैसा कमाना स्टार्ट नहीं करेगा, सीखना स्टार्ट नहीं करेगा, तुमसे ज़्यादा तो उसका फायदा है, उसको हाथ जोड़ने चाहिए तुम्हारे सामने, तुम क्यों जोड़ते हो उसके सामने, ऐसे हाथ जोड़ना बंद कर दो। वो सामने वाला जब तक तुमके 100 बार ना कहे भाई मेरे को वीडियो सेंड कर दो, वीडियो सेंड मत करो, 100 बार कहे तब सेंड करो, उससे बात करो, अगर वो सीरियस है, अगर वो तुम्हारे मजाक में मूड में बात कर रहा है तो उससे बोलो भाई आप क्षमा करें मैं आपको वीडियो सेंड नहीं कर सकता, मेरे को तो एक ही चाहिए, एक ही बंदा चाहिए, ज्वाइन होना है तो बताइए, नहीं ज्वाइन होना है तो जाइए। बस सीधा ही क्लियर बात करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है क्लोजिंग में, बस क्या है कि तुम उनको ज़्यादा भाव दे देते हो तो उनके भाव बढ़ जाते हैं, फिर वो समझते हैं मेरे पीछे भाग रहा है, पीछे पीछे पीछे, तुम क्यों भाग रहे हो पीछे, उन लोगों को भगाओ ना पीछे। रही बात अगर फॉलो अप की तो फॉलो अप से निकलेंगे कुछ लोग, आज ज्वाइन नहीं करता है फॉलो अप ले लेके साले को 1 महीने बाद भी ज्वाइन करा देंगे, स्टेटस दिखा दिखा के ज्वाइन करा देंगे, जब भी उसका नंबर लो अपना नंबर सेव करवाओ उसके मोबाइल में। अब कोई ऐसा इंसान तो है ना कि सेव करने के बाद आपका अनसेव करे नंबर, नहीं ऐसा कोई नहीं करता, तो साला आपका स्टेटस देख देख के वो ज्वाइन होने के लिए खुद मैसेज करेगा भैया मेरे को ज्वाइन करा लो, मैं भी पैसा कमाना चाहता हूँ। पैसा कौन नहीं कमाना चाहता आज के टाइम में, लेकिन जिनकी सनकी हुई है वो लोग उन लोगों के पीछे मत पड़ो, क्योंकि तुम्हारा भी कुछ नहीं है, तुम भी ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी नहीं बना सकते, है ना। रही माइंडसेट की बात, तो आपका कॉन्फिडेंट हाई होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए, क्यों आप कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हो बिल्कुल भी, तो फिर क्यों आप डर जाते हो, प्लान दिखाने से डर जाते हो, लोगों से बात करने से डर जाते हो, लोगों का नंबर लेने से डर जाते हो। अभी आपको क्या करना है, आपकी 10 दिन के अंदर फर्स्ट सेल कैसे निकलेगी, फर्स्ट सेल नहीं और भी ज़्यादा निकल जाएगी अगर इस तरीके से बात की जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, और एनर्जी यही रखनी है, इसी एनर्जी के साथ बात करता हूँ मैं। सामने वाला एकदम फट जाता है, बोलता है कौन बात कर रहा है, इतनी एनर्जी के साथ बात करनी है, एक बोतल पानी रख लिया करो, फुल एनर्जी के साथ बात किया करो। एक बंदे से बात कर रहे हो तो ऐसा होना चाहिए कि इसको मैं ज्वाइन करा के रहूँगा कैसा भी हो,
वापस, लेकिन उनके पीछे मत भागना, उसको अपने पीछे भगाना, इंट्रेक्स एंड ट्रिप्स को अपनाना, इसको लिख लेना। अगर तुम रजिस्टर लेकर नहीं बैठे थे तो इस ट्रेनिंग को लेने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है, फिर से देख लेना वीडियो, लेकिन अपने रजिस्टर में पेन और कॉपी लेकर लिख लेना, तभी निकलेगी सेल। फिर मत बोलना कि मेरे सेल नहीं निकल रहा है। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे कम से कम 10 लोगों से बात करनी है, 10 लोगों से, 10 लोगों से आप बात करोगे, उसमें से क्या होगा, 10 लोगों से आप बात करोगे उसमें से क्या होगा कि 5 लोग आपको रिप्लाई करेंगे, 5 लोग वीडियो देखने के बाद आपको रिप्लाई करेंगे। कई लोग तो इतने आलसी होते हैं, वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं करते हैं, फोन आ रहा है इसलिए मैं उधर को जा रहा हूं। 5 लोगों को क्या करना है, वीडियो दिखाने के बाद बात करनी है, मतलब कि 10 लोगों को वीडियो दिखानी है, 5 लोगों से वीडियो दिखाने के बाद बात करनी है, और 1 क्लोजिंग, 2 क्लोजिंग, 3 क्लोजिंग, 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके बात करने के तरीके के ऊपर। क्योंकि जो वीडियो देखने के बाद आपसे बात कर रहा है वो 100% पैसा कमाना चाहता है, और जो वीडियो देखने के बाद आपको कॉल ही नहीं कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, मैसेज सीन करके छोड़ रहा है, आपको मैसेज नहीं कर रहा है, तो यार इतना कुछ करने के बाद भी आपको मैसेज नहीं कर रहा है तो वो पैसा कमाना चाहता है, आप ही सोचिए। तो आपको उसके पीछे पड़ना ही नहीं है, उसको डालो अपने फॉलोअप लिस्ट में, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, कचरे की पेटी में, उस कचरे से भी आप उन खुद खाद बना लेंगे स्टेटस डाल डाल के। 10 लीड जनरेट करनी है डेली की, उनको अपना नंबर सेव कराना है डेली की, आपको आपका जो स्टेटस है 10 लोग ज़्यादा देखने चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप अपनी अर्निंग डेली बेसिस पे डालोगे 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 तो बोलेगा यार ये अर्निंग कर रहा है, ये पैसा कमा रहा है, सच में पैसा कमा रहा है, मेरे को भी कमाना है। क्योंकि पैसा जब दिखाई देता है तो सामने वाला अट्रैक्टिव होता है। तो आपको यहाँ पर फॉलोअप भी करना है डेली बेसिस पे, 10 लोगों को आपको प्रेजेंटेशन भेजनी है। ए अपना एम ले लो, आप इंस्टाग्राम से लोगों को लाइए, OLX से लाइए, अपना ऐप से लाइए, फेसबुक से लाइए, कहीं से भी लाइए। और अगर आपने अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया तो अपने रिश्तेदारों को लाइए, दोस्तों को लाइए, 10 लोगों को प्लान दिखाइए, कुछ नहीं होता तो मेरे से बात कराइए, मैंने 5 लोगों को छाटा अपनी टीम में से, उन लोगों की 10-10 लोगों की टीम बनवानी है मुझे, बस ज़्यादा लोगों की नहीं बनवानी है, 10-10 लोगों की बनवाऊंगा बस टीम, उसके बाद वो खुद टीम बनाएंगे। क्योंकि 10 लोगों की जब टीम बन जाएगी उनका कॉन्फिडेंट हाई हो जाएगा, हाई। ज़्यादा लोगों की टीम नहीं बनानी है तुमको, तुमने 10 लोगों की टीम बना ली, तुम्हारा कॉन्फिडेंट बढ़ने लगेगा, जब कॉन्फिडेंट बढ़ने लगेगा तो तुम्हारी सेल्स भी बढ़ने लगेगी, एक किसी दिन 1 सेल्स निकलेगी, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, 2 सेल्स निकलेगी, 3 सेल्स निकलेगी। ये मेरे लिए भी फॉर्मूला करता है, मैं नहीं बोल रहा मेरे लिए नहीं करता है, मैं खुद से मैं अगर कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करूं, लगातार काम नहीं करूं, लगातार वीडियो नहीं बनाओ तो मुझे शर्म आने लग जाती है कभी कभी वीडियो बनाने में। मैं अगर लगातार काम करता रहूं तो हर काम मुमकिन है। आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि आपकी सेल नहीं निकलेगी। एक सर थे मेरे साथ काम किया करते थे, अभी भी करते हैं, वो मेरे से काफ़ी बड़े नेटवर्कर हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनकी 80 दिन के अंदर फर्स्ट सेल निकली थी। सोच लो उस बंदे ने कितना स्ट्रगल किया था, और डेली बेसिस पे काम करता था, 80 दिन के अंदर सेल निकली थी। तुम्हारा तो अभी 2, 4, 5, 10 दिन हुआ, कम से कम 1 महीना तो देख ले, 2 महीना तो देख ले, क्या पता है एक सेल निकलने के बाद तेरी सेल्स की भंडार लग जाए, निकलती ही चली जाए। तो टेंशन मत लो, तुम्हारी जरूर सेल्स निकलेगी और तुम जरूर आगे बढ़ोगे। और तुम यहाँ पर अगर 2-4-5 हज़ार रुपये कमाने के लिए आए हो तो यहाँ पे आज ही निकल जाओ, बिल्कुल मत करो काम। क्योंकि 2-4-5 हज़ार रुपये क्या होता है, जाओ कहीं पर जॉब कर लो, 2-4-5 हज़ार रुपये आराम से कमाओगे महीने का। अगर तुम यहाँ पर लाइफ सेट करने के लिए आए, अपने सारे सपनों पूरे करने के लिए आए हो, तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर मन लगा के काम करो, एक दिन तुम पैसिव इनकम को क्रॉस कर जाओगे, या एक दिन तुम काम ही नहीं करोगे तब भी पैसा आएगा।
थैंक यू, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि ब्रॉडकास्ट लिख कैसे बनानी है, तो मैं वो व्हाट्सएप पर आपको बताने वाला हूँ ब्रॉडकास्ट, उसकी भी वीडियो जल्दी आ जाएगी, कल सुबह आ जाएगी उसकी वीडियो, क्योंकि अभी मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ तो थक गया हूँ, और मेरे पास अभी 4 से 5 लोगों के कॉल भी आ चुके हैं, तो उन लोगों को भी कॉल करना है, तो इसलिए मैं अभी वीडियो नहीं बना सकता। सुबह आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगी, ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनानी है, फॉलोअप कैसे करना है, एडिटिंग कैसे करनी है, कैनवा एडिटिंग, पोस्टर वगैरह कैसे बनाने हैं, इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन, ये सब सब आपको सुबह मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं सुबह, ये वीडियो अभी डल रही है।